आपको इस कुर्ते की कटिंग सिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनर आस्तीन देख सकते हैं आप। तो मैं आज आपको यही आस्तीन की कटिंग बताऊंगी और आप इसको किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे वो भी बताऊंगी। चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कंप्लीट कुर्ता। एवरीवन, चलिए मैं आज आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग बता रही हूँ कि डिज़ाइनर सिंपल कुर्ता आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखते रहें। मैं आपको बंद गले वाला कुर्ता बता रही हूँ फ्रेंड। तो बंद गले के लिए आपको किस तरह से कटिंग का कपड़ा लेना है, सबसे पहले तो ये मैंने 50 इंच का पूरा कपड़ा काट लिया है, देख सकते हैं लंबाई पूरी 50 है। अब देखिए गला आज मैं आपको बता रही हूँ कट करना और किस तरह से स्टिचिंग करना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा गौर से देखेंगे जब भी समझ में आएगा आपको। तो ये आपने कपड़ा ले लिया है, अब देखिए आप एक साइड से कोने से आपको इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने सबसे पहले 3 गला ले लिया है फ्रेंड। देखिए इसकी चौड़ाई आपने 3 ले ली है और इसकी जो लंबाई है वो भी आपको 3 ले लेनी है। 3 हाँ कंप्लीट आप 3 ले लीजिए और फिर उनको मिला दीजिए, इस तरह से आपको मिला देना है। उसके बाद आपको 1 इंच की गोलाई लगा देनी है, इस तरह से आपको ये गोलाई लगा देनी है। उसके बाद आपको 4 इंच के शोल्डर लेने हैं, ये देखिए आर्म होल। फ्रेंड आपकी अगर हेल्थी महिला या गर्ल्स है तो 6.5 के ले लीजिए, नहीं तो 6 के ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 6.5 के ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थी गर्ल्स के लिए बन रहा है। तो देखिए इसमें मिला देंगे आप 6.5 लेने के बाद, और फिर हम 1.5 इंच की गोलाई लगा देंगे। एक से 1.5 इंच की हम गोलाई लगा लेंगे, इस तरह से हमने ये इसका नाप लगा लिया है, देख सकते हैं इस तरह से नाप लग गया है। अब आपको कटिंग करना है, तो कटिंग आपको बहुत सावधानी से आप कटिंग कीजिए, जैसे जैसे आपने निशान लगाया है वैसे वैसे आपको कट कर देना है। इस तरह से आपको बंद गले का गला सिलने के लिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो कुर्ते की कटिंग करें तो आप आगे और पीछे का दोनों पार्ट निकाल लीजिए, आगे पीछे के दोनों पार्ट निकाल कर ही कट करें क्योंकि इसमें पीछे जो आपकी गले की गोलाई है वो 1 से 1.5 इंच लगेगी फ्रेंड। ये आगे का पार्ट है तो आगे के पार्ट में आपको फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग नाप लेकर आप फिटिंग लगा लीजिए, इस तरह से आपको फिटिंग लाइन लगा लेनी है। और यहाँ से 20 आपको जो साइड कट है वो आपको 21 पर लगा लेना है, 20 या 21 वो आप देख लीजिए। काफ़ी लोग ऊंचा कट पसंद करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन लगभग 21-20 तक आ जाता है। तो ये हो गई आगे के फ्रंट कट, ठीक है। चलिए आपने फ्रंट काटा था, बैक काटने के लिए आप फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो रख लीजिए अपने बैक पोर्शन पर, शोल्डर वही कटने हैं, ओनली थोड़ा सा गले में अंतर आना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये कपड़ा रख लिया है। उसके बाद जो पीछे का गला है वो हमको 1.5 इंच का काटना है, उसको आप 3 इंच का नहीं करें नहीं तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा वो। तो ये 1.5 पर निशान लगा दिया है और उसके बाद आप गोलाई लगा लीजिए 1/2 इंच की, देखिए। उसके बाद आपके शोल्डर वही कटने हैं जो आपने फ्रंट में काटे हैं, जो आपने कपड़ा कट किया है सेम उसी को रख के आप फिटिंग लाइन भी लगा लीजिए। और ये देखिए इस तरह से
अब आप कट कर लीजिए। चलिए ये कुर्ते की फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गई हैं, देख सकते हैं आप। अब देखिए कॉलर कट करने के लिए आप कपड़ा ले लीजिए। कॉलर काटने के लिए आपको टोटल कपड़े की जो लंबाई है वो आपको 18 ले लेनी है। देखिए 18 टोटल लंबाई, ले ली हमने 18। चौड़ाई में हम ले लेंगे 3 इंच फ्रेंड, क्योंकि हमारी सिलाई वगैरह में जाकर ये 1 से 1.5 इंच की आपकी कॉलर रह जाएगी। ये आपका कॉलर के लिए कपड़ा निकल गया फ्रेंड, देख सकते हैं आप। इसकी टोटल लंबाई 20 ले लीजिए तो फिक्स 18 रह जाएगी। बाकी का आप 3 इंच की चौड़ाई ले लीजिए, फोल्ड करके 1 से 1.5 इंच रह जाएगी। एवरीवन, आज मैं आपको एक डिज़ाइनर आस्तीन कट करना सिखा रही हूँ, देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, उसको आप सूट में भी लगा सकते हैं, ब्लाउज में भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें इस आस्तीन को, डिज़ाइनर आस्तीन को लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने कपड़ा ले लिया है, चलो ये कपड़ा ले लिया है और आप सीधी पट्टी निकाल लेंगे 7 इंच की, देख सकते हैं आप। ये 7 इंच की बराबर कट निशान लगा लिए हैं 7 इंच के, और उसके बाद ये कपड़ा इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की भी कट लगाने के लिए, दूसरी आस्तीन के लिए भी आप इसी तरह से 7 पर कट लगा लीजिए और इस तरह से कपड़ा काट लीजिए। ये देखिए बीच के सेंटर में सेल भर लेंगे, छोटे छोटे सेल। देखिए सल डालिए, उसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगा देते हैं। तो पाइपिंग के लिए अरेबी कपड़ा तो मैं कई बार आपको कट करना बता चुकी हूँ, तो इस तरह से आप कट करके और पाइपिंग लगा दीजिए। 5 मिनट में आस्तीन रेडी हो जाती है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मोटा पाइपिंग लगाना है आपको। Thank you.
जाने तमन्ना किधर। डालना पड़ेगा कि कंप्लीट आस्तीन हो गई है। आप चाहे तो इसमें पीकू कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको पलट सकते हैं किनारी को। देखिए मैं इस किनारी का बोल रही हूँ, आप चाहे तो इसको मशीन से ही पलट सकते हैं और आप चाहे तो इसमें पीकू भी कर सकते हैं।